अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अनूठे अंदाज में नजर आए। पितृ पर्वत पर आयोजित भजन संध्या में बीजेपी महासचिव ने भजन गाकर कार्यक्रम में समा बांधा। वहीं भजन संध्या में बीजेपी महासचिव ने भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए रिपोर्ट। पितृश्वर हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पितृ पर्वत पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर भजन संध्या में समा बांधा। पितृश्वर हनुमान धाम पर 2 वर्षीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया तो वहीं भव्य पुष्प बंगला भी बनाया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पितृश्वर हनुमान की शरण में पहुंचे। बीजेपी महासचिव ने कहा, पितृश्वर हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान हैं, इनकी आराधना करते हैं तो अलग ही आनंद मिलता है। देखिए, आज मथुरा के जो सारे हलवाई हैं वो आए, उन्होंने 56 भोग का प्रसाद बनाया और मथुरा से ही फूल बंगला बनाने वाले सब कलाकार भी आए हैं। फूल बाहर से मंगवाए औरंगाबाद से, और ये एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। हनुमान जी की कृपा है, 2 वर्ष पूरे हुए प्राण प्रतिष्ठा को, आज उसका उत्सव है और ये उत्सव हम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हनुमान जी तो साक्षात कलयुग में देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्हें अमर अजर का आशीर्वाद है। तो अगर कलयुग में जो 7 देवता प्रत्यक्ष रूप से हैं, उसमें से हनुमान जी भी हैं, जब इनकी आराधना करते हैं तो एक अलग आनंद आता है। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय सहपरिवार पितृश्वर हनुमान की शरण में पहुंचे और बाबा को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। वहीं विधायक ने कहा कि बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए, कोरोना जब प्रारंभ हुआ था उसके जस्ट पहले हम लोगों ने 10 लाख लोगों का भंडारा पितृश्वर हनुमान धाम से लेके बड़े गणपति मंदिर तक करके इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था।
स्थापना हुई थी हनुमान जी की मूर्ति की, उसके बाद से कोरोना आ गया था तो करते थे कार्यक्रम मगर उतना बड़ा भव्य स्तर पे नहीं कर पाते थे कोरोना की वजह से। आज मुझे बहुत खुशी है कि कोरोना अब ख़त्म हो चुका है और आज हमने भव्य यहाँ पर फूल बंगला सजाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत सजावट है, 56 भोग का प्रसाद है, भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था है और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कोरोना ना आए, कोरोना जैसी कोई बीमारी ना आए और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति रहे। मैं आपके माध्यम से भी ईश्वर से सबके लिए सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना करता हूँ। इस दौरान पितृपर्वत पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा के दर्शन कर भजन संध्या का आनंद लिया, तो वहीं पितृपर्वत पर बनाए गए फूल बंगले को भी दर्शकों ने निहारा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।